हरी मिर्च का सॉस, और ये मेरे घर में कुछ बचा हुआ हरी मिर्च थी और इसे मुझे यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं कि लाल लाल और हल्का सूख रहा है, इसलिए मैं इसे सॉस बना दूंगी। वैसे आप सॉस बनाना हो तो इस तरह का मिर्ची ज़्यादा तीखा होता है और इससे मोटा मोटा हल्का ग्रीन उसका रंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो वाला आप आधा यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये दो तरह से बना के बताऊँगी, दो तरीके का बनाऊँगी, आपको जो अच्छा लगे वो बनाएंगे और टेस्ट में भी आपको जो अच्छा लगे वो बनाएंगे। तो ये साबुत मिर्ची है 250 ग्राम लगभग, और इसमें डालेंगे बड़े लहसुन का ये दो, ढक्कन बंद करते ठंडा हो गया है। इसमें नमक तो मैंने पहले से रखा था, ज़रा सा और डाल दिए, और इसमें सिरका डालेंगे जो मेरा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और ये 6 महीने तक आराम से चलेगा। अगर आपको चेक करेंगे, अगर ये सही होगा तो आप ड्रॉप कर देंगे। इससे बहुत जल्दी अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बनाने के लिए 250 ग्राम मिर्ची को काट लिया मैंने, एक प्याज को अच्छे से काट लें, और फिर लहसुन है एक, और फिर अदरक, और इन सबको हल्का सा कढ़ाई में तेल, पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इन सबको सभी को इसमें डाल देंगे, सभी को रखने के बाद उसे अच्छे से चलाएंगे, और चला के इसको ढक के छोड़ देंगे कढ़ाई 3-4 मिनट के लिए। अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पक गया है, इसे 2-3 मिनट पहले पकाया था, 1-2 मिनट और पका लेते हैं। पानी डालेंगे और ढक के करीबन 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं बस सिरका डालूंगी 3 टेबल स्पून, और अच्छे से पेस्ट बना के छान लें।